श्रोताओ सादर नमस्कार। जय माँ कालका। राम के नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी, श्वास हाथ से जा रहे हैं कीमती बेशुमार जी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही शोक रोग एवं भय से मुक्ति मिलती है। देव गंधर्व असुर ऋषि आदि भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। देवों के देव महादेव भी इनकी पूजा करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की भी पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से 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 नमो नमः। कमल के फूल पर विराजमान और सिंह की सवारी करने वाली माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं में गदा, चक्र, कमल का फूल और शंख धारण करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ में सर्वशक्तिमान देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के शरीर के बाएं भाग पर सिद्धिदात्री स्वरूप में प्रकट हुई थी। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की होने वाली पूजा से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करके हम सभी अपने सभी शोक रोग एवं भय से मुक्ति पा सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि देवों के देव महादेव जब तारक मंत्र देते हैं तो माँ सिद्धिदात्री मंत्र धारण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती हैं। आज महानवमी के दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो जाएं, इसके बाद सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें। उनको पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, फल आदि समर्पित करें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाली अनहोनी से बचाव होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इनका पूजन करना उत्तम होता है। माँ दुर्गा को मीठा हलवा, पूरन पोठी, खीर, मालपुआ, केला, नारियल और सभी प्रकार की मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। नवरात्रि में उनको प्रतिदिन इनका भोग लगाना चाहिए। माँ रानी को सभी प्रकार का हलवा पसंद है। माँ सिद्धिदात्री की आरती के पश्चात महानवमी को भी लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन के लिए सभी कन्याओं को अपने यहाँ निमंत्रित किया जाता है। उनके चरण धोए जाते हैं, स्वागत किया जाता है, श्रद्धापूर्वक आसन पर बिठाया जाता है। फूल पुष्प आदि से उनकी आरती उतार कर उन्हें घर पर बने पकवान भोजन परोसे जाते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। जय माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है माँ सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है माँ शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, सभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तू न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को मन में धरे जो, तू सब काज
उसके करती है पूरे, सभी काम उसके रहना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व से दाती वो है भाग्य विधाशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दातक। बोलो सिद्धिदात्री माँ की जय हो। जमीन पर शोर मचा था हमारी हुकूमत हमारी मर्जी, आसमान से आवाज आई मेरी दुनिया मेरी मर्जी। मुश्किलें आएंगी तकलीफें बढ़ेंगी, अंधेरा और भी घना होगा, बस रखना भरोसा अपनी माँ पर, तेरे ही हक में फैसला होगा। जय माँ सिद्धिदात्री। आप सभी को रामनवमी की और नवरात्रों के नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री के शुभ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। माँ से हमारी यही प्रार्थना है, हे माँ हे भगवान राम, कोरोना रूपी वायरस से हमें हमारे परिवार हमारे समाज और हमारे देश की रक्षा करें। आप सभी से मेरा निवेदन है, स्टे होम स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सभी जो हेल्थ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें, सैनिटाइज करें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें और हर हेल्थ से रिलेटेड रूल को फॉलो करें और अपने समाज में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव सभी बातों को फैलाने में मदद करें। आपको यदि मेरी है इन्फॉर्मेशन और माँ सिद्धिदात्री की कथा रामनवमी की बधाई अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। माँ सिद्धिदात्री हम सभी को शुभ फल प्रदान करें। जय माता दी।